हेलो एवरीवन, चलिए आपका सेंट थॉमस ग्रुप में आपका स्वागत है। और ये हम पार्ट वन वीडियो क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स का, वो भी चैप्टर थ्री का हम वीडियो ये बनाने जा रहे हैं। चैप्टर थ्री का पार्ट, चैप्टर वन और चैप्टर टू का तो हम बना चुके हैं, अब हम चैप्टर थ्री का वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो आप लोग देख रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, मनी और क्रेडिट, जो हम लोग का पैसा और क्रेडिट, मतलब जानते हैं कि हम लोग का जो वैल्यू रहता है वो हम लोग का मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट मतलब हम बताएंगे डिटेल्स कि क्रेडिट का मतलब होता क्या है, इसी पर हम बताएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का मनी का वैल्यू क्या, मनी का मीन्स क्या होता है और क्रेडिट का मीन्स क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, मनी और क्रेडिट पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन पार्ट से, तो ये हम इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मनी के बारे में क्या होता है। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो देखिए, मनी, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी क्या है? मनी आप लोग जानते हैं करेंसी, नोट्स, मुद्रा, ये सब होता है। मनी से हम लोग क्या कर सकते, एक ऐसा जरिया है। मीडिया मतलब क्या होता है? जरिया, एक ऐसा जरिया है जिसमें से हम लोग किसी चीज को भी, गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर, आपके पास तो कोई ना कोई जरिया होगा कि जाके आप दुकान पर ये मार्कर ले सकते हैं। तो आपका जरिया क्या है? मनी, मनी है तभी आपका सारा चीज को परचेस कर सकते। अगर ये आप व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, अगर व्हाइट बोर्ड को अगर परचेस करना है तो आपका क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, मनी, मनी है। लेकिन हाँ, मनी हम लोग का वहीं पर काम करता है, हर जगह पर, सारा सारा देश का नोट्स हर जगह पर काम नहीं करता। जैसे इंडिया का करेंसी है तो वो इंडिया पे ही काम करेगा, विदेश पे हम लोग का काम नहीं करेगा। मतलब कि हर एक गवर्नमेंट अपना एक करेंसी बना के रखता है, हर एक गवर्नमेंट मतलब करने का मतलब कि हर देश का गवर्नमेंट एक अपना करेंसी बना के रखा है। कि उन लोगों को क्या चाहिए कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां पर हम लोग का गुड्स और सर्विसेज का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर हम लोग जब भी परचेस करते हैं तो हम लोग का वो एक्सचेंज होता है, मनी के थ्रू एक्सचेंज होता है, कि जो हम लोग का डेली लाइफ में कंटिन्यूअस चल रहा है। आप लोग भी अगर सामान खरीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो क्या आप लोग पैसा लेके जाते हैं ना? जब तक मनी लेके नहीं जाएगा, पैसा लेके नहीं जाएगा, तब तक कि आप उसको परचेस कर पाइएगा? नहीं परचेस कर पाएगा। मतलब कि मनी इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हम लोग का मनी का डिफाइन था, यहाँ पर आप लोग मनी का ये डिफाइन था, ठीक है। मनी का मतलब हम समझा दिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट मतलब होता है वैल्यू, जो किसी का एक वैल्यू रहता है। अब एक वैल्यू का एक एग्जांपल हम लेते हैं। दो आदमी को हम खड़ा करते हैं, ठीक है, हम दो आदमी को खड़ा करते हैं, एक हम लेते हैं, एक हम एक हैं, और यहां पर एक मुकेश अंबानी है। हम मुकेश अंबानी को अपने आप से क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितना मुकेश अंबानी कोई भी सामान उसको परचेस कर लेगा, क्यों परचेस करेगा? इसको उधारी सबको दे देगा। क्या उधारी देगा ना सबको? क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है। अगर हम बोलेंगे कि जा रहे हम उधारी लेंगे, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को हम परचेस करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, ये करेंगे, तो क्या हमको देगा वैल्यू? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी के तहत मेरा वैल्यू क्या है? कम है, वैल्यू कम है ना। तो यही है कि क्रेडिट, जहां पर जिसका ज्यादा क्रेडिट रहता है, वैल्यू रहता है, उसी को हम लोग ये करते हैं। जैसे हर आदमी का गांव में या शहर में किसी ना किसी आदमी का वैल्यू रहता है ना, जिसका वैल्यू रहता है तो उसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और जिसका वैल्यू नहीं रहता उसको कोई भी पूछता नहीं है। तो अब यहीं पर हम लोग देखिएगा, ये तो हम नॉर्मल लाइफ में हम बताएं कि हम लोग का क्रेडिट का मतलब वैल्यू होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स लाइन में हम लोग का क्या करता है, इकोनॉमिक्स लाइन में हम लोग का क्या कहा जाता है क्रेडिट का मतलब? यहां देखिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ये देखिए, इसको हम लोग का अगर हम लोग का बोला जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट, तो दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। दिस इज अ एग्रीमेंट, ये इकोनॉमिक्स का लाइन पर क्या है, एक एग्रीमेंट है, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज किए हैं। अब यहां देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच बोरो रिसीव अ वैल्यू नाउ, इन विच बोरो रिसीव वैल्यू नाउ। मतलब कि बोरो मतलब क्या होता है? देना, और रिसीव मतलब क्या होता है? लेना। बोरो मतलब क्या होता है? देना, और रिसीव मतलब लेना। तो एक वैल्यू, तो हम लोग एक वैल्यू को क्या मान सकते हैं? चलिए वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं वैल्यू को, कैश भी मान सकते हैं वैल्यू को, गोल्ड भी मान सकते हैं वैल्यू को, या बहुत सारा,
जो भी चीज है, मतलब कि वैल्यू, कोई भी चीज का वैल्यू को हम लोग ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट पर ले सकते हैं वैल्यू। नाउ एंड एग्री टू रिपे द लेंडर्स एट सम लेटर डाटा, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू को अगर हम परचेज करते हैं, सिंपल सा वर्ड्स में बताते हैं, हम एक बैंक के पास लोन लेने गए, तो बैंक के पास हमको लोन लेने के लिए, हम सोचे कि हम एक घर बनाते हैं तो हम बैंक से कुछ लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेंगे तो क्या बैंक हमको ऑलरेडी लोन देगा? नहीं, पहले बैंक मेरा वैल्यू जानेगा, मेरा क्रेडिट जानेगा बैंक। जब मेरा बारे में क्रेडिट जानेगा कि इसके पास क्या क्या संपत्ति है, लोन इसी तरह नहीं मिलता, हम बैंक उस पर तहत पर जाएगा कि इसके पास क्या क्या संपत्ति है, प्रॉपर्टी कैसा है, कैश इसका कितना इनकम आता है, क्या इसके पास गोल्ड है या फिर कार है, ये सब। अगर मेरे पास ये सारा फैसिलिटी रहेगा तो बैंक क्या हमसे ज्यादा कुछ करेगा? नहीं, वो डायरेक्टली मेरा क्रेडिट, इसके क्रेडिट पर हमको बैंक क्या करेगा? लोन दे देगा। इसके क्रेडिट पर हमको बैंक क्या करेगा? लोन दे देगा। लेकिन मान लीजिए ये मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब कि हम जीरो बैलेंस है, तो क्या हमको बैंक क्रेडिट देगा, लोन देगा? नहीं दे पाएगा। तो यही होता है कि हम लोग का पास अगर किसी पर वैल्यू रहता है तब हम लोग को कोई भी लोन दे सकता है। लेकिन फिर कुछ हम लोग का लेंडर्स कुछ हम लोग का समय तक देता है, लेटर डेट तक, मतलब कुछ समय तक देता है, लेकिन जितना समय तक देगा उसके साथ वो क्या करेगा, इंटरेस्ट को भी जोड़ेगा। क्या करेगा? वो इंटरेस्ट को भी जोड़ेगा। इंटरेस्ट को क्यों जोड़ेगा? जब इंटरेस्ट इसलिए जोड़ेगा क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग का पर डे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर 1,00,000 रुपया लीजिएगा और आप 1 साल के बाद दीजिएगा तो क्या 1,00,000 रुपया दीजिएगा? नहीं, उसके साथ क्या होगा, इंटरेस्ट भी दीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसका बढ़ता रहता है। अब हम लोग मनी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं ना। अब देखिए, हम लोग मनी एंड क्रेडिट के वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मनी और क्रेडिट में जब तक हम मनी में जब तक हम लोग का मुद्रा और कैपिटल नहीं है, कैपिटल हम लोग का पूंजी होता है, मतलब कि जब तक मुद्रा नहीं आएगा, मतलब कि पैसा नहीं आएगा, तब तक हम लोग किसी सामान को परचेस नहीं कर सकते। क्रेडिट में क्या पढ़े कि जब तक वैल्यू नहीं रहेगा किसी के पास, मतलब किसी का वैल्यू, तब तक हम लोग किसी से भी क्या डाटा हम लोग ले नहीं सकते, मतलब कि डाटा क्या, मतलब कि हम लोग पैसा, लोन, ये सब हम लोग ले नहीं सकते। तो अब यहां पर हम बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ हिस्ट्री का पार्ट में आते हैं, हम लोग अभी करेंट में नहीं, हिस्ट्री के पार्ट में जाएंगे कि बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए नाम का व्यक्ति जो है वो खेती बाड़ी करता है, मतलब की एग्रीकल्चर करता है, मतलब की ए क्या है, किसान है, और जो बी है वो आयरन मेड है। आयरन मेड क्या होता है, जो लोहा बनाता है, जो व्यक्ति IRON आयरन मेड, जो व्यक्ति क्या करता है, लोहा बनाता है। अब देखिएगा एक बात कि बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब यहां पर एग्रीकल्चर कर रहा है, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर कर रहा है उसको तो लोहा का जरूरत तो पड़ेगा। अब बी जब लोहा बना रहा है तो इसको खाने के लिए तो कुछ अनाज चाहिए ना। तो अब ये बताइए, अब इसकी हिस्ट्री में, अब उस समय हम लोग का मनी नहीं चलता था, पैसा हम लोग का नहीं चलता था, तो क्या इन लोग करेगा, ये बी बोलेगा ठीक है कि आप खेती कर रहे हैं तो आप हमको कुछ अपना अनाज दीजिए। ये क्या मांगेगा, अनाज मांगेगा, मतलब कि क्रॉप्स, ये सब खाने के लिए अपना फूड मांगेगा, अनाज मांगेगा, ठीक है। बी क्या मांगेगा, अनाज मांगेगा। तो बी जब अनाज ए से मांगेगा तो ए भी कुछ मांगेगा ना, क्या उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा? नहीं। तो उसके लिए वो बोलेगा कि ठीक है, आप हमको अनाज दे रहे हैं तो आप हमसे अनाज ले रहे हैं, तो अनाज के बदला आप क्या दीजिएगा हमको? वो तो बोला कि मेरे पास तो अभी लोहा है, तो लोहा आपको जरूरत पड़ेगा, हल की जरूरत पड़ेगा, कहीं पर भी जाइएगा या फिर कुदाली में या फिर आपको कुछ में भी जरूरत पड़ेगा। तो ये ए बी जो है ए को क्या देगा, आयरन देगा। बी जो है ए को क्या देगा, आयरन देगा, और ए जो है बी को क्या देगा, फूड देगा। मतलब कि ये जो है, ये इधर बी जो है वो ए को आयरन देगा और ए जो है बी को क्या देगा, फूड देगा। मतलब कि विदाउट मनी एक्सचेंज कर रहा है, इसमें क्या पैसा की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा। इसमें विदाउट मनी क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है जरूरत पड़ने पर। तो अब हम लोग अभी इसका डिटेल्स में देखते हैं कि बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यहां पर तो आप लोग को पता चल गया कि ए और बी में जो एक्सचेंज होता है बैटर सिस्टम, मतलब कि विदाउट मनी के थ्रू हम लोग अपना गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर, अब जो डिफाइन है इसको पॉज करके वीडियो को डिफाइन लिख लीजिएगा। दिस सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज मनी।
एक देखे ना यहाँ पर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो हम लोग का गुड्स मतलब कि जो सामान रहता है वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या होता है डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि इसमें भी आप डाटा देख रहे ना जो आपने ये ए और बी का जो स्टोरी बताया इसमें डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे विदाउट यूज मनी, मतलब कि बिना पैसा के थ्रू हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज, हम लोग दो या दो से अधिक पार्टीज मतलब कि दो जैसे जैसे कोई भी हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो, दो हो गया, अब इसके अलावा और पार्टीज से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिंगल पार्टीज कभी एक्सचेंज नहीं हुआ गुड्स में, हम लोग का दो या दो से ज्यादा पार्टीज लेकर कभी एक्सचेंज होगा। बिटवीन टू और मोर पार्टीज हु एग्री टू एक्सचेंज इच अदर गुड्स, मतलब कि उन लोग जब तक एग्री नहीं होगा तब तक हम लोग गुड्स को क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं? नहीं, तो हम लोग को हर पर्सन को एग्री होना पड़ेगा तभी हम लोग उस गुड्स को क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन बोलेगा कि ठीक है अब चलिए दो पार्टी का लिए, अब हम यहाँ पर तीन पार्टी का लेते हैं, चलिए एक का हम नाम रखते हैं ए, एक का नाम रखते हैं बी और एक का नाम रखते हैं सी, ठीक है। चलिए तो अब ए का हम ए को मान लेते हैं, क्या मानते हैं एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, ठीक है ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बी जो है वो आयरन मिल है, मतलब कि ये लोहा बनाने वाला एक आदमी है, आयरन बनाता है। सी जो है ये सी जो है एक हम बताते हैं सी जो है वो कुछ नहीं करता है, मतलब कि वो दे डू नॉट एनी वर्क, मतलब कि वो वर्क नहीं करता है किसी भी सेक्टर पे वो वर्क नहीं करता है। अब ये बताइए सी अगर ए के पास जाएगा मांगने तो क्या ए इसको देगा, बताइए सी जब ए के पास मांगने जाएगा तो ए देगा? हाँ देगा, लेकिन ए पूछेगा कि ठीक है हम तो अपना अनाज आपको खाने के लिए देंगे लेकिन आप हमको क्या दीजिएगा, आप हमको क्या दीजिएगा, वो तो पूछेगा ना। तो सी बोलेगा तो मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन क्या ए सी को देगा? नहीं देगा। फिर सी जाएगा बी के पास जाएगा, बोलेगा ठीक है आप हमको क्या, सी बोलेगा कि बी के पास कि ठीक है आप हमको काम दीजिए क्योंकि ये अनाज मांगा खाने के लिए, लेकिन सी के बी के पास क्या है काम है आयरन है तो इसको तो वर्कर की जरूरत पड़ेगा ना। सी गया बी के पास काम मांगने तो ये वर्क कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये वर्क कर रहा है तो आयरन के पास गया तो क्या ये आयरन में काम कर रहा है तो इसके पास भी आयरन आएगा, यहां पर क्या आएगा वर्क, इसको काम मिला ना, मतलब कि अब इसके पास क्या चीज का काम आया, आयरन का काम आया, आयरन का काम आया। जैसे हम बता रहे हम डिटेल आयरन का काम आया, आयरन के पास देखिए अब क्या सी जाएगा इसके पास तो ये देगा, ये क्या इन लोग में एक्सचेंज होगा ना गुड्स, गुड्स एक्सचेंज होगा। फिर इसके पास क्या हो रहा है वर्क हो रहा है तो मतलब कि इसमें गुड्स क्या एक्सचेंज हो रहा है, नहीं इसमें जो है इसका जो है वो क्या हो रहा है गुड्स, इसी का गुड्स से लेकर के ये बना रहा है, इसमें भी इन लोग का एक्सचेंज होगा गुड्स, अब ये समझ गए ना। लेकिन अब देखिए यहां पर अब देखिएगा जो हम लोग का जो वर्ल्ड जो है या कोई भी व्यक्ति हम लोग का डेवलप्ड कैसे किया, डेवलप्ड कैसे किया, चाहे तो सी भी हम लोग का ए के पास जाकर के काम कर सकता था लेकिन एग्रीकल्चर तो अनाज था, हम लोग का बी का हम लोग का क्या था एक मैन्युफैक्चर्ड था जो बनाया। अब यहीं पर से धीरे धीरे क्या होगा ये हम लोग का एक मैन्युफैक्चर्ड हो गया सेकेंडरी स्टेज में आ गया जो हम लोग का ये डेवलप करेगा, और सी जो है क्या हो गया एक सर्विस सेक्टर हो गया, मतलब सर्विस कैसे हो गया सेक्टर की मतलब कि हर जगह पर वो अपना सामान को क्या कर रहा है बेच रहा है जो आज हम लोग मार्केटिंग में जान रहे। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और इस वीडियो को बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बाद मनी और क्रेडिट नेक्स्ट पार्ट में मनी और क्रेडिट के बारे में और बताएंगे। तो और इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा से रहेगा। ओके।